मादर ने परम श्रद्धेय भारतवर्ष के रेलवे मिनिस्टर श्री पवन कुमार बंसल जी, हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही जुझारू और साथ में विकास जिनकी रग रग के अंदर है, हमारे लोकसभा सदस्य चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, हमारे बड़े भ्राता राजस्थान सदस्य और लखनऊ श्री शाहजहां बत्रा जी, पूर्व मंत्री मेरे भाई श्री सुभाष बत्रा जी, अभी आपके सामने लोगों के जिदारों में आया श्री अरुण सिंह दानी जी, पूर्व मंत्री श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पूर्व विधायक आईजी शेर सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी, हमारे भाई श्री मनमोहन गोयल जी, रेलवे के उच्च अधिकारी, रेलवे बोर्ड के मेंबर श्री कुलभूषण जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, श्री वीके गुप्ता जी, संजय अत्रे जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री रामदेव सदेवा गोविंदर भारत जी, डीएम श्री अनुराग जी, मेरे सभी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता, मेरी बहने, मेरे आदरणीय बुजुर्गो, दोस्तों, आज रोहतक के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा दिन है। आज रोहतक शहर के अंदर जो रोहतक गोहाना लाइन की शिफ्टिंग हुई है, उसके लिए सारा रोहतक हमेशा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ऋणी रहेगा। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, सभी रोहतक की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। आज सारा रोहतक इस बात के लिए गदगद है कि हमारे सांसद दीपेंद्र जी के पेट्रो से जो गाड़ी की शिफ्टिंग हुई है, उसके बारे में सब कुछ पता है। और ये सब हमारे रेलवे मिनिस्टर आदरणीय श्री पवन कुमार बंसल जी के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। जब ये फाइल चली थी, इस फाइल के ऊपर 99 ऑब्जेक्शन थे और सभी के सभी ऑब्जेक्शन रिमोट वाले ने सारा सारा ग्राउंड हमारे युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। आज आपके सामने जो इलेक्ट्रिक लाइन चल रही है, जिसका विद्युतीकरण पहले हो चुका है, ये डीओ भी यहां से चली है, ये भी इसके लिए भी हम बंसल साहब का आभार व्यक्त करते हैं और साथ में एमपी साहब की भी धन्यवाद करते हैं। और ये जितनी अच्छी सेवा यहाँ पर होगी, सारे हिंदुस्तान के अंदर 5 ऐसी ट्रेनें चली है जिनमें एक रोहतक के अंदर ट्रेन चलती है। आज आपके सामने ये स्टेशन कितना अच्छा लग रहा है, कितनी इसके अंदर तरक्की हुई है। और वैसे भी बंसल साहब का तो हमारा बंसल साहब पे बहुत हक है और वो चंडीगढ़ से लोकसभा के मेंबर है और जितना पंजाब का चंडीगढ़ है उतना ही हरियाणा का चंडीगढ़ है। इसलिए प्रत्येक बात पे हमारा पूरा का पूरा हक है और मेरे पे तो वैसे भी बंसल साहब का हमेशा आशीर्वाद रहता है। और यहाँ पर आने पर जितना मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूँ कि आज बंसल साहब हमारे बीच में आए हैं और पहली बार 7.5 साल के बाद किसी कांग्रेस के मंत्री ने बजट पेश किया है। और सबसे ज्यादा अगर उसके अंदर कोई फायदा हुआ है, नई लाइनों की बात हुई है, तो वो हरियाणा की बात हुई है, ये भी हिस्ट्री है। इसी के साथ मैं समय ज्यादा लेता हुआ, कोई काफी और नेताओं ने बोलना है और बंसल जी ने भी आना है। मेरी यहाँ पर यहाँ रोहतक की छोटी छोटी बड़ी नहीं है, जब बंसल साहब यहाँ पर है तो मेरे ख्याल बड़ी समस्या भी छोटी समस्या सारी की सारी हल हो जाएंगी। 90 साल पहले यहाँ से 90 साल से एक रास्ता जाता है, मार्ग रोड से इधर रास्ता जाता है, वो 5-2-4 महीने पहले
रेलवे ने बंद कर दिया है, उस रास्ते को खुलवाया जाए। ये सारी की सारी मंडी की है, प्रोविजन मेरे पास है, मैं मनसा जी को अभी आपकी तरफ से दे दूंगा। इससे काफी सुविधा मिलेगी। दूसरा, हमारा यहाँ पर वैक्स संस्था बहुत बड़ी है, साथ में प्रमोशन ग्राउंड भी बनता है, साथ में रेलवे की जमीन है, तो काफी दिक्कत हमें सामना करना पड़ता है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां रेलवे की जगह पड़ी है, आगे की सड़क बनी हुई है, उसको सड़क को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान होगा। मंत्री साहब का आशीर्वाद इसके बाद में साथ में मैं अपने एमपी साहब के माध्यम से इस बात के लिए कहूंगा कि हमारी चंडीगढ़ से और जयपुर की शताब्दी की हर आनंद टेंशन करे, चंडीगढ़ आपका है, हरियाणा भी आपका है और राजस्थान भी जितेंद्र जी का है, तीनों जगह चलनी चाहिए, उस हिसाब से चलनी चाहिए। इसके अलावा बहुत समय से हमारी डिमांड है, इन्हें रोचक चर्चा दिल्ली की जो रेल जाती है इसके अंदर बहुत प्रश्न आता है, इसके डब्बे और चेयर कार आ जाए, साथ में रोहतक से जो चंडीगढ़ ट्रेन जाती है उसके अंदर सिर्फ चार डब्बे हैं, बड़ी दिक्कत का सामना पड़ता है। रोहतक से चंडीगढ़ या तो अलग लाइन चले या उसके डब्बे बनाए जाए और इसके अंदर एक एसी कार चेयर कार जो बनाई बड़े समय से यहाँ पर पार्सल का कार्यालय था जो रेलवे अथॉरिटी ने बंद कर दिया है, सारी की सारी रेलवे रोड और लंबी और साथ में शोरी मार्केट की डिमांड है कि यहाँ पर पार्सल सेवा यहाँ पर शुरू करनी चाहिए। उसके अलावा भी मेरे पास काफी डिमांड आई है, मैं सभी डिमांड आपकी तरफ से बंसल साहब को दूंगा और मैं दिल की गहराइयों से आज मैं बहुत खुश हूँ कि रक्तों को इतना बड़ा तोहफा हमारे एमपी साहब ने और चौधरी दीपेंद्र चौधरी भूपेंद्र सिंह का आशीर्वाद से और सब कुछ रेलवे मिनिस्टर पवन कुमार बंसल आए तो ये सभी संभव हुआ। इन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद बता दी।